नमस्कार, मैं हूं तनिषा, आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन चैनल। वैसे सुनते और पढ़ते आए हैं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। आखिर क्यों नहीं, हम जो भी सीखते समझते हैं उसके पीछे इन किताबों का बड़ा हाथ होता है। क्या हो अगर ज्ञान से भरा मेला यानी किताबों का मेला आपके सामने आ जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेले की। मैं सबीला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। इस ऑनलाइन जमाने में किताबी ज्ञान को आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप पढ़ना नहीं चाहते तो सुन भी सकते हैं, लेकिन जो असली मजा किताबों को अपने हाथ में लेकर पढ़ने का है वो अलग ही होता है। तो अगर आप एक बुक लवर हैं जिनको विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ने का शौक है तो आपके लिए यह फायदेमंद खबर होने वाली है, क्योंकि साहित्य अद्भुत किताबों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए दिल्ली विश्व पुस्तक मेला यानी वर्ल्ड बुक फेयर की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत के तमाम प्रकाशनों के अलावा दुनिया के भी पब्लिकेशन अपनी किताबों की स्टॉल लगाएंगे। इस मेले में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अलावा कई और जुबानी किताबें खरीदी जा सकती हैं। खास बात तो यह है कि यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों तक की दिलचस्प कहानियाँ और नॉवेल्स और नॉलेज भरी किताबों का भंडार आपको देखने को मिलेगा। मेले में जाने पर ऐसा लगेगा कि हम ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। हर तरफ ज्ञान और विभिन्न विचारों की हवाएं दिखेगी। क्या है इस बार की थीम? इस साल दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की थीम की बात करें तो बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा रखी गई है, जिसका अर्थ मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज होता है। इस थीम के जरिए क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया है। इस बार अतिथि देश के रूप में सऊदी अरब का चयन किया गया है। अगर आप सऊदी अरब के लेखक और साहित्यकार से मिलना चाहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। एंट्री फी की बात करें तो नेशनल बुक ट्रस्ट के अनुसार हर साल की तरह इस साल भी बुक फेयर में दिव्यांग, स्कूल स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन के लिए फ्री में एंट्री होगी। हालांकि अन्य लोगों के लिए एंट्री फीस 10 या 20 रुपये हो सकती है। हॉल नंबर 1 से लेकर 5 में यह मेला 10 फरवरी से 18 फरवरी तक लगाया जाएगा, जिसमें थीम पेवेलियन, चिल्ड्रन पेवेलियन, इंटरनेशनल इवेंट कॉर्नर, ऑथर कॉर्नर, फेस्टिवल न्यू दिल्ली राइट, टेबल डिसीजन ऑफ वर्चुअल रीडिंग और सीईओ स्पीक भी बनाए जाएंगे। विश्व पुस्तक मेले के उद्देश्य की बात करें तो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेशनल बुक ट्रस्ट एंड बीटी भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। पुस्तक हमारे मार्गदर्शन में सहायता करती है। महापुरुषों विद्वानों के विचार अमर हो जाते हैं, उनका ज्ञान उपदेश सदैव हम में जीवित रहता है अगर हम पुस्तकों को पढ़ते हैं। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन लोगों में पुस्तकों को पढ़ने और उनके प्रति रुचि प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। किताबों में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छा स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का मौका मिल जाता है। प्रकाशनों को अपनी पुस्तक के प्रस्तुत करने के लिए उचित मंच मिलता है। इसके अतिरिक्त मेले में कई प्रकाशन नई पुस्तकों का विमोचन भी करते हैं, जिनमें लेखन का पाठकों से वार्तालाप भी होता है, जिसमें पाठकों के मन में उठने वाले सवाल और उनसे सीधी बात करने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं नई पुस्तकों का विमोचन उनके पुस्तकों का निःशुल्क प्रचार में भी सहायता करता है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।